मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 खबरों। मुंब्रा के गांव देवी इलाके के दो युवक करीम शेख और शाहिद, ये दोनों सड़क हादसे का शिकार हो गए हैं, जिसमें करीम शेख की घटनास्थल पर ही जान चली गई जबकि शाहिद गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। बताया जा रहा है कि करीम शेख और शाहिद ये दोनों किसी काम से खारघर की तरफ गए थे और वहीं पर किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गए और करीम शेख की घटना स्थल पर ही जान चली गई जबकि शाहिद शेख जो है घायल है, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। थाने में भीषण सड़क हादसा हुआ है। घोड़बंदर रोड गायमुख के पास ट्रक और टैंकर की जोरदार टक्कर हो गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि दोनों वाहनों में काफ़ी टक्कर होने की वजह से नुकसान हुआ है। हालांकि किसी के घायल होने की खबर सामने नहीं आई है। वहीं इस हादसे के बाद घंटों यातायात बाधित रही। आपत्ति व्यवस्थापन और दमकल विभाग के कर्मचारी इन दोनों गाड़ियों को रास्ते से हटाए, जिसके बाद फिर यातायात बहाल हुई। महाराष्ट्र की ठाणे पुलिस ने 9 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी बांग्लादेशी नागरिक हैं जो गैरकानूनी तरीके से भिवंडी के सारावली गांव में रहते थे। हालांकि पुलिस ने अभी इन 9 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाने के घोड़बंदर रोड पर करंट लगने से 15 साल के एक लड़के जिसका नाम पीनू परेरा है, इसकी जान चली गई है। पुलिस के मुताबिक 10वीं में पढ़ने वाला ये पीनू परेरा खेलते समय नंगे पैर था और पाइप पर इसका पैर पड़ गया, जिसमें करंट था और करंट का झटका लगने की वजह से पीनू परेरा की जान चली गई। खबर उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के उमरी बेगमगंज की है, जहाँ प्रेम प्रसंग के चक्कर में रोहित पांडे की गोली मारकर दो लोगों ने हत्या कर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज ने बताया कि मेला देखने के बहाने रंजीत मिश्रा और गुरुदयाल पासी ने रोहित को अपने साथ लेकर गए थे, लेकिन एक सुनसान जगह पर रोहित को गोली मार दी। इस हत्या के मामले में गोंडा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर तकनीकी सहायता से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने वाली टीम को 25,000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा। जनपद गोंडा में थाना उमरी बेगमगंज अंतर्गत कल एक युवक की बॉडी मिली थी, जिसमें गोली मारकर उसकी हत्या की गई थी। इस घटना का 24 घंटे के अंदर ही खुलासा कर लिया गया है। इस घटना में ये निकल कर आया है कि जो मृतक था रोहित पांडे, उसके जो मित्र थे रंजीत मिश्रा और पासी, इन्होंने ही ये हत्या की थी। जो मृतक है उसका, जो उसका मित्र था रंजीत मिश्रा, उसकी साली के साथ में प्रेम प्रसंग था और उसी के दौरान उसने एक वीडियो भी बना लिया था। वो जो मृतक था वो उससे शादी भी जबरदस्ती करना चाहता था और ना करवाने पे उसके वीडियो वायरल करने की धमकी भी दे रहा था। इसी पे 18 की रात्रि में रंजीत एवं पासी ने उसको बुलवाया था और मेला देखने के बहाने, और इन दोनों ने इसी बात पे उसकी बातचीत हुई और जब उसने मना कर दिया वीडियो देने से, डिलीट करने से, तो रंजीत और गुरुदयाल पासी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी, गोली मारी उसको और मौके पे ही घटनास्थल पर उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद में पुलिस ने पूछताछ टेक्निकल सर्विलांस और मैनुअल सर्विलांस के आधार पर इसको वर्कआउट कर लिया है और उसके पास से जो मृतक है उसका मोबाइल वो ही बरामद कर लिया है और घटना में प्रयुक्त जो तमंचा है वो भी बरामद कर लिया है। इस तरीके से घटना का खुलासा सर्विलांस टीम, थाना उमरी बेगमगंज टीम और एसओजी टीम के संयुक्त कार्रवाई में 24 घंटे के अंदर कर लिया गया है। खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपये इनाम भी दिया जा रहा है।